हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इजी ट्यूशन क्लासेस। आज मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रही हूँ साइन कंक्लूजन के बारे में। डिफरेंट कंडीशंस होंगी आपकी, जैसे एडिशन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। सबसे पहले हम बात करते हैं एडिशन की। जब दो इंटीजर्स को ऐड किया जाता है जिनके दोनों ही इंटीजर्स जो होंगे वो पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे, मतलब वो पॉजिटिव प्लस साइन वाले इंटीजर्स होंगे, जब उनको ऐड किया जाएगा तो उनका जो रिलेशन होगा वो प्लस का होगा। ओके, जैसे 2 + 3 दोनों ही पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, इनको जब हम प्लस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 5। ओके, देन यहां पर दोनों ही निगेटिव साइन वाले इंटीजर्स हैं, इनको जब ऐड किया जाएगा तो इनका रिलेशन क्या आएगा, प्लस का रिलेशन, मींस -2 और -3 दोनों ही निगेटिव साइन वाले इंटीजर्स होंगे, इनको प्लस करेंगे तो, क्योंकि अपोजिट साइन है इसलिए ये प्लस रिलेशन देंगे तो ये -5 आएगा, क्योंकि इनकी फैमिली निगेटिव है, ये निगेटिव इंटीजर्स है इसलिए ये माइनस साइन यहां पर यूज हो रहा है। तो एक बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखिएगा कि सेम साइन वाले इंटीजर्स हमेशा प्लस देते हैं और अपोजिट साइन वाले इंटीजर्स का रिलेशन हमेशा माइनस होता है। ठीक, जैसे प्लस 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 माइनस माइनस, ये भी सेम साइन है, माइनस माइनस, तो ये हमको क्या दे रहे हैं, प्लस, बट यहां पर अपोजिट हो रहा है। देखिए, प्लस माइनस माइनस और माइनस प्लस माइनस। ठीक, अपोजिट वाले हमेशा माइनस देंगे और सेम वाले हमेशा प्लस देंगे। यहां पर भी देखिए, ये पॉजिटिव है और ये निगेटिव है, तो प्लस माइनस माइनस, देन -3 + 2 हाउ मच, -1, द रिजल्ट विल बी 1, देन बिकॉज 3 इज ग्रेटर तो हम लोग इसकी फैमिली में डाल देंगे 1 को। ठीक है, जो भी इंटीजर ग्रेटर होगा उसके अकॉर्डिंग हम इसको फाइनली साइन देंगे। ठीक है, 3 बड़ा है इसलिए हम लोगों ने इसको -1 बोला है। देन नेक्स्ट केस है माइनस एंड प्लस, तो ये भी माइनस होगा क्योंकि अपोजिट साइन है। ओके, तो -2 + 3 तो प्लस माइनस माइनस, 3 - 2 = 1। अब यहां पर देखिए, जो माइनस साइन है वो छोटे नंबर के साथ है इसलिए यहां पर जो साइन होगा वो क्या होगा, प्लस। एंड यहां पर प्लस लिखना जरूरी नहीं होता, हर एक नंबर में स्लीपिंग फॉर्म में 1 प्रेजेंट होता है। ओके, तो ये है आपका साइन कंक्लूजन अबाउट द केस ऑफ एडिशन। अब हम बात करते हैं मल्टीप्लीकेशन के केस के लिए। यहां पर भी जो ट्रिक हमने अभी पहले बताई है कि अगर दोनों सेम साइन के इंटीजर्स होंगे तो उनके बीच उनका जो रिजल्ट मिलेगा वो पॉजिटिव मिलेगा, और अगर अपोजिट साइन के होंगे तो नेगेटिव मिलेगा। मींस दो पॉजिटिव इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका जो आंसर होगा वो पॉजिटिव इंटीजर आएगा, दो सेम साइन यहां भी निगेटिव वालों को भी मल्टीप्लाई करेंगे तब भी पॉजिटिव आएगा, बट अगर अपोजिट हो जाएंगे मीन्स एक प्लस और एक माइनस तो हमेशा निगेटिव आएगा। लेट अस टेक द एग्जाम्पल, 2 × 3 = 6। ओके, 3 × 2 = 6 अगेन, देन माइनस माइनस प्लस, क्योंकि देखिए दोनों ही लाइक साइन वाले हैं, सेम साइन वाले हैं इसलिए भी प्लस हो जाएगा। देन ये अपोजिट साइन वाले हैं तो 6 होगा बट वो माइनस का 6 होगा, ये भी अपोजिट साइन वाले हैं, देन 3 × 3 = 9 बट माइनस का होगा, क्योंकि हमने बताया ना कि दो सेम साइन वाले हमेशा पॉजिटिव देंगे और दो डिफरेंट साइन वाले नेगेटिव देंगे। देन एक इंपॉर्टेंट बात आपको ध्यान में रखनी होगी क्वेश्चंस को सॉल्व करते हुए, अगर माइनस साइन को इवन टाइम्स मल्टीप्लाई किया जाए, इवन मतलब जैसे देखिए कितनी बार मल्टीप्लाई हुआ है, 1, 2, 3, 4, 4, 4 बार ना, तो इवन टाइम मल्टीप्लाई हुआ है, इसका मतलब इसमें हमेशा आंसर हमें प्लस मिलेगा। ये एक कॉमन सी बात है, ये दो साइन मिलके प्लस बना देंगे और ये दो साइन मिलके प्लस बना देंगे तो हर दो दो का पेयर एक कंप्लीट प्लस देगा, इसकी वजह से हमेशा अगर कोई भी इंटीजर इवन टाइम्स निगेटिव इंटीजर इवन टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है तो आपको प्लस साइन मिलेगा, बट अगर निगेटिव इंटीजर माइनस ऑड टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है तो हमेशा निगेटिव रिजल्ट आएगा। ओके, अब हम बात करते हैं डिविजन के बारे में। सेम रूल डिवीजन के केस में भी फॉलो होता है, दो सेम टाइप ऑफ साइन जो होंगे वो आपको प्लस देंगे, माइनस माइनस सेम टाइप के हैं इसे प्लस देंगे, अपोजिट हमेशा माइनस देंगे। ठीक है, तो ये बेसिक है, ये तीनों केसेस में सेम ही लॉजिक फॉलो हुआ है, तो इसलिए आप इन बातों का ख्याल रखिएगा, देन आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको और बेहतर तरीके से समझ में आता जाएगा।